गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर एक है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर एक, किडनैपिंग का दर नंबर एक, और मर्डर में देश में नंबर दो, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर दो। और इस यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक SPI रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश की अखंडता सुरक्षा के लिए जो सेना हमारी है और जो बहुत बेहतर काम कर रही थी उसको मॉडर्नाइज करना है, उसकी एवरेज आयु कम करनी है, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इसको इस प्रकार से करना चाहिए था, क्योंकि इससे पूरी रिक्रूटमेंट, पार्शल रिक्रूटमेंट होता कुछ समय के लिए होता, लेकिन सारी रिक्रूटमेंट बंद करने के बाद, और आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं, अरे कोविड टाइम भर्ती हुई नहीं बिल्कुल, और इस देश में जो इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर नौजवान क्या करें, विकल्प क्या उनके पास। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए लेकिन राहुल जी से वो मिले, उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने की का निर्णय लिया। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म फोर्सेस CAPF हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेचुटी जो 11 लाख रुपये की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 1.5 लाख नौजवानों को फौज में भर्ती किया गया था, उनका फिजिकल सारी वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ पूरा हो चुका था, ज्वाइनिंग शेष बाकी थी, लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो वो 1.5 लाख जो पक्की भर्ती में सरकार द्वारा चयनित नौजवान थे उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह लग गया और आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं स्वयं कई बार उस धरने में गया हूँ। 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने तुरंत इनकी बात को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी तभी से हम इनकी बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं। आज जैसा कि अभी बताया था सचिन जी ने, ये लेटर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लेटर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और उनसे ये आग्रह कि 1.5 लाख चयनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चयनित फौजियों को ज्वाइनिंग मिले,
और हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं, और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी ये लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। ये आर्थिक मकड़जाल बनाया गया है ना, ये पहले तो था नहीं, और आर्थिक मकड़जाल से निकलने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश की अखंडता सुरक्षा के लिए जो सेना हमारी है और जो बहुत बेहतर काम कर रही थी उसको मॉडर्नाइज करना है, उसकी एवरेज आयु कम करनी है, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इसको इस प्रकार से करना चाहिए था, क्योंकि इससे पूरी रिक्रूटमेंट, पार्शल रिक्रूटमेंट होता कुछ समय के लिए होता, लेकिन सारी रिक्रूटमेंट बंद करने के बाद, और आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं, अरे कोविड टाइम भर्ती हुई नहीं बिल्कुल, और इस देश में जो इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर नौजवान क्या करें, विकल्प क्या उनके पास? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा वन रैंक वन पेंशन, उसको पूरा नहीं किया। अब चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और दो तरह की भर्तियां हो जाएगी, एग्जिस्टिंग होंगे पक्की भर्ती वाले और अग्निवीर होंगे, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी है, 6 महीने की छुट्टी भी है, 4 साल का कार्यकाल है, तो उसमें क्या एक जो फौज की एक भावना होती है, क्या कहीं ना कहीं हम इस पूरी योजना से उसे खिलवाड़ तो नहीं होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरहद पर जो खड़े होते हैं, एक आर्मी की यूनिट होती है, फौज में एक अपनापन होता है, उसमें उसके साथ खिलवाड़ ना हो जाए, ये चिंता हम लोगों को है। इसलिए आर्थिक लिमिटेशंस को देखकर हम काम करें, और आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रही है, हम वी आर नाउ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर द टॉप 25 आर्म एक्सपोर्टर। अगर आप इतना आमदनी कमा रहे हैं रक्षा मंत्रालय से, तो पहली प्राथमिकता हमारी मैन पावर की है, उसको सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर वेपनाइज करने के लिए, बेहतर ट्रेनिंग करने के लिए, औसत आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार एकदम से किया गया और संपूर्ण भर्ती को किया गया, उसके हम लोग विरोध में, मुझे लगता है पूरा रोल बैक करना पड़ेगा सरकार को। MSP पे तो पहली जो गारंटी हम लोगों ने दी है खड़गे साहब राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में, हमने कहा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग वो काम करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया। जब 3 काले कानून कृषि के वापस लिए थे, उस समय सरकार ने कहा था कि MSP को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं, कृपया उसको पूरा करिए, और फिर जो हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टियर गैस डाली जा रही है, लोग किसानों के साथ उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है अन्नदाताओं की। तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम MSP को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, ये हमारा एक संकल्प है, हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो ORP का वादा किया उसको पूरा नहीं किया, बल्कि वादा खिलाफी किया भविष्य की पीढ़ियों के साथ जो फौज में अपना हिस्सादारी करना चाहती थी। तो हम लोग MSP पे हमारा जो घोषणा है हमारी वो पहली थी मेरे ख्याल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी है, और वो वाली गारंटी नहीं है, ये जुमले वाली गारंटी, ये पक्की गारंटी है। गृहमंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है, हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1, और मर्डर में देश में नंबर 2, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और इस यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक SPI रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी, आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश की फौज देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासियों को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया, चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी।
ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था, ना किसी राजनीतिक दल ने यह मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए, हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे हैं।